उत्तराखंड में बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे के पास पहाड़ी भरभराकर टूट गई, तो वहीं उत्तराखंड पर लैंडस्लाइड को लेकर देखिए हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट। मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर सफर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दरकते पहाड़, टूटती चट्टान कब कहां खतरा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बीच जगह जगह पहाड़ गिर रहे हैं। यहां लगातार पहाड़ी दरक रही है और बार बार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण यहां काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बद्रीनाथ रूट पर गिरते पत्थर आवागमन के लिए खतरा बने हुए हैं। बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम जाने के रूट के पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। यहां आपको जगह जगह रोड ब्लॉक, गिरते पत्थर और उससे निपटने के लिए रोड क्लियरिंग पार्टी मिल जाएगी। प्राकृतिक आपदा की चपेट में लोगों के सड़क किनारे घर और मकान भी आ रहे हैं, जो जमींदोज होते देखा जा सकता है। बद्रीनाथ जोशीमठ के रूट में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण लोगों के घर दरक रहे हैं और मकान गिरते जा रहे हैं। चार धाम के रूट में इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, यहाँ पर दरअसल खतरा कहीं से भी आ सकता है। ये देखिए किस तरह से दरअसल ये लूज स्टोन्स जो हैं उनको साफ किया जा रहा है। इस वक्त मौसम ठीक है तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है उसको क्लियर किया जा रहा है। इस तरह के लूज स्टोन उन पहाड़ों से आते हैं जहां पर आप देखिए कि पेड़ नहीं है, घास नहीं है, कुछ इस तरह से मिट्टी है और उसमें पड़े हुए जो पत्थर हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक कि उसकी जद में कोई आए तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, गाड़ियां टूट जाए, लोगों की मौत हो जाए। ये देखिए छोटे से बड़े किस तरह के पत्थर आपको दिखाई देते हैं। इन पत्थरों के आकार और इसकी ताकत का अंदाजा आप हमारे साथ लगा सकते हैं, जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से दरअसल ताकतवर हैं, जिन्हें नीचे लाया गया है और साइड किया गया है। इन पत्थरों की ताकत आप देखिए, एक पत्थर एक पूरी गाड़ी को समाप्त कर सकता है। एक पत्थर की कैपेसिटी इतनी है कि ये अगर ठीक से किसी को भी अपने चपेट में ले ले तो पूरी तरह से उसकी मौत सुनिश्चित है। इस तरह के पत्थरों को देखिए किस तरह से हटाया जा रहा है, ऊपर से लाया जा रहा है, छोटे बड़े तमाम पत्थर यहाँ पर देखिए, कई ट्रक पत्थर जो है अभी तक निकाले जा चुके हैं। बद्रीनाथ जोशीमठ के रूट पर ही हमने मकानों में आ रही दरार और उनके गिरने के कारणों पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। कितना खतरनाक जोन है जिसका क्लियरेंस इस वक्त आप लोग कर रहे हैं? यहाँ चलेगा सर हमारा प्रोटेक्शन वर्क, तो पहले हम लगाएंगे एंकरिंग करेंगे इधर जिससे लैंडस्लाइड को रोका जाए। फिर यहाँ एंकर डाला जाएंगे, सुबह लगाई जाए जाली, फिर नीचे से गैप अनवॉल दी जाएगी यहाँ से जिससे लैंडस्लाइड ना हो सके। इस तरह के लैंडस्लाइड के एरिया कितने ज्यादा हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के जो लूज स्टोन्स हैं उनके आने का खतरा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है। लगभग सर हमारे पास है 8-10 लोकेशन जो गौचर से लेकर छिनका तक जो है डेंजर, तो अभी तीन जगह काम चल रहा है इनमें से। और जब इस तरह के लैंडस्लाइड होते हैं तो कितना खतरा बढ़ जाता है जब, क्योंकि यात्री जा रहे हैं इस वक्त गाड़ियों और मकानों पर पत्थर गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम के बदलने के साथ ही उत्तराखंड की पहाड़ियां खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां से गुजरने वाली सड़क किसी भी वक्त आपके लिए काल का कारण बन सकती है, आपको काल के मुंह में धकेल सकती है, मौत का समूचा मुंह खोल सकती है। ये पत्थर कितने खतरनाक होते हैं इसका दृश्य आपको हम यहाँ पर पड़ी हुई गाड़ी से दिखाते हैं। ये देखिए भयानक ऊपर से आए हुए पत्थरों की चपेट में हुई गाड़ी किस तरह से पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है, जबकि ये आप देखिए कि एक SUV गाड़ी है। बावजूद इसके आप देखिए कि पत्थर जब यहाँ पर गिरते हैं तो किस कदर गाड़ी यहाँ पर पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है और इसमें जो यात्री सवार हैं उनकी हालत क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस तरह के अलग अलग आपको जोन मिलते हैं, खास तौर पे तब जबकि आप बद्रीनाथ की तरफ या केदारनाथ की तरफ जाते हैं, और ये जोन ऐसे होते हैं जहां पर लूज सॉइल होता है और उसमें जो पत्थर है उसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे जगहों पर देखिए इस तरह के बोर्ड भी लगा दिए जाते हैं और लिखा जाता है सावधान, और ये भी कहा जाता है कि यहां पर चलने से पहले आप जरा देख लीजिए कि हालात क्या होने वाले हैं। वहीं लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र में सड़क से लगे पहाड़ों से पत्थर निकालने का काम तेजी से चल रहा है ताकि ये पत्थर लुढ़क कर खतरा ना बन जाए। हम इस वक्त एक लैंडस्लाइडिंग जोन में हैं। इस वक्त आप हमारे पीछे देखिए तो तकरीबन 400 से 500 मीटर का एरिया ऐसा दिखाई देगा जहां पर आपको समूचा पहाड़ जो है वो कुछ इस कदर बर्बाद हो चुका है कि ये इलाका पूरी तरह से लैंडस्लाइडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। ऊपर तक आप देखिए तो आपको दिखाई देता है कि किस तरह से दरअसल मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सब नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं।